वाराणसी में आज आदर्श फाउंडेशन में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण एवं संगीत कार्यक्रम आदर्श फाउंडेशन परिवार के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अजीत यादव जी, जिला पंचायत सदस्य एवं आचार्य उमेश द्विवेदी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आदर्श फाउंडेशन के डायरेक्टर अनुराग द्विवेदी, संजय चतुर्वेदी, शिव शंकर पांडे, प्रदुमन पांडे, सरोज राय, नितेश सिंह, आशुतोष चतुर्वेदी, सचिन पांडे, कन्हैया यादव आदि लोग उपस्थित रहे। इसमें हमारे आदर्श फाउंडेशन में परिवार में जो आए बच्चे हैं उनसे हमारा यही संदेश है, पिछले 15 वर्षों से आदर्श फाउंडेशन इस कार्यक्रम में कार्य कर रहा है पंजाब और वाराणसी। हमारा उद्देश्य हमारा यही है कि भाई जब हमारा देश स्वतंत्र होने का स्वतंत्रता हम लोग मना रहे हैं, इसी प्रकार से हर इसका उद्देश्य ये है कि इसी प्रकार से ये भी अपने नशे को स्वतंत्र होकर के अपने एक अच्छे ज़िंदगी का शुरुआत करें। मनाने का मकसद भी यही है कि आखिर में जब देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ, इतनी चीज़ें हुई हैं, तो हम लोग भी अगर यहाँ पर रह करके आज परिवार से दूर होकर के, अपने माँ बाप से, पत्नी बच्चों से दूर होकर के अगर यहाँ पर हम संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष का सही पारण यही है कि नशा मुक्त हो जाए और अपने आप को एक संकल्प करें कि नहीं, नशा नहीं करना है। अध्यक्ष जी, विगत 1.5 दशकों से आप लगातार इस चीज़ में लगे हुए हैं और हम लोग जहाँ तक देखते हैं कि आप इसमें सफल भी हैं। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो क्या लगता है कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो आपको थोड़ी सी गंभीर या परेशान करती हैं इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र में चुनौतियाँ तो बहुत हैं, क्योंकि किसी के परिवार के भाई कोई इसका मूल्य नहीं है, ये तो हीरे से भी ऊपर के मूल्य हैं। इनको यहाँ पर रखने में, इनकी व्यवस्थाओं को देखने में हमारी चुनौतियाँ तो है ही, क्योंकि ये बच्चे भटके हुए हैं, साथ साथ में परिवार के एक बहुत बड़े हिस्से हैं, तो इनको ट्रीट करने के लिए, इनको देखने के लिए, इनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए चुनौतियाँ तो रोज़ ही हमारे लिए बनी रहती है, रात दिन बनी रहती है कि कैसे क्या इनके लिए हो जाए कि ये अपने आप में बदल जाए। बस यहाँ आदर्श फाउंडेशन में आप मुख्य अतिथि होकर आए हैं ध्वजारोहण में, क्या कहेंगे फाउंडेशन के लिए? फाउंडेशन के लिए जितना भी कहा जाए कम है। और हमारे गुरु जी जो आप हैं, आपके देख रेख में जो ये आदर्श फाउंडेशन का कार्यक्रम चलता है, हम लोग तो विगत कई सालों से आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर साल यहाँ पे जो हमारे भाई हैं नशा युक्त जो लोग हैं उनको मुक्त कराया जाता है, वो संख्याएँ बढ़ती जा रही है। और हम गुरु जी से यही चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम आप करते रहें और कहीं अगर शाखा खुलना हो तो हम लोग का भी सहयोग जो हो सके करने के लिए तैयार हैं। नेताजी, अगर बात की जाए विभिन्न प्रकार के एडिक्ट आज समाज में देखे जाते हैं, व्यसनी जिसको आप कह सकते हैं, जी, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो कि अब तक आदर्श फाउंडेशन से दूर हैं और पंडित जी के सानिध्य से दूर हैं? अब उन लोगों का दुर्भाग्य है जो नशा मुक्ति केंद्र पर हमारे आदर्श फाउंडेशन में नहीं आ पाए, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भाई हैं अगर उन लोगों को लगे अगर ऐसा या हमको लगे कहीं, तो हम लोग का सहयोग होना चाहिए कि यहाँ तक उनको लाने का। बाकी तो आप गुरु जी बैठे हुए हैं यहाँ पे नशा मुक्त कराने के लिए, हम लोग यहाँ तक अगर आ गए तो इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से जो है नशा मुक्त कराकर भेजने का। और हम चाहते हैं कि इस तरह का सहयोग हम सभी भाइयों में बना रहे। अगर ऐसा कोई मिलता है या किसी परिवार से प्रताड़ित हैं तो उनको हम लोग ये राय दिखाएँ, ये संदेश दें कि आदर्श फाउंडेशन में वो जाकर मिलें या हम लोग के साथ आवें, हम यही चाहते हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में आए हैं आदर्श फाउंडेशन, आदर्श के साथ फाउंडेशन मतलब शरीर को जोड़ने के का यह विषय हमारा है जी। आज आदर्श अभी आदर्श विहीन अभिव्यक्ति ही हमारे राष्ट्र के लिए घातक बना, प्रमाण राहुल को देख लीजिए, आदर्श विहीन अभिव्यक्तित्व ही तो हमको खा गया। क्यों लोग जो जा रहे हैं सीढ़ी में, 80% माता पिता इसके जिम्मेदार हैं। अगर मैं 10 वर्ष तक उसको आदर्श सिखा दो, उठना बैठना चलना बोलना खाना पीना अरम धर्म जितना कुछ है सनातन से जुड़े हुए, तो वो आदर्श जब आ जाएगा तो अभिव्यक्ति आप भाव में निकलता है। आदर्श के साथ जब अभिव्यक्ति जुड़ती है तो नशा आदि पर समीक्षा कर लेता माइंड, ओ ये नहीं है। तो इसी तरह से आदर्श फाउंडेशन भी में चाहते हैं कि जो लड़के आवें वो अपने बाड़ी रूपी हमारे फाउंडेशन में आध्यात्मिक तत्व जोड़े। नशा कोई दवा कोई समाधान नहीं है, चाहे आयुर्वेद को इतिहास पढ़ लो, वही मूल आपका है। आयुर्वेद कहता है चित्त शुद्ध हुआ आप नशे में गए,
चाहे नारी नशा हो, चाहे दारू नशा हो, चाहे स्नेक नशा हो, किसी प्रकार का नशा जिसमें आपका सांस फंस जाए वो नशा है। जी आचार्य जी, अगर शुद्ध शब्दों में बात की जाए, आप संस्थापक है आदर्श फाउंडेशन के, लोग भ्रांतियां ये है कि ये ऐसे फाउंडेशन में यातनाएं दी जाती हैं। हो गया। क्या कहेंगे? जब आगे फाउंडेशन पंजाब में था, बठिंडा में था, जब यह आगे फाउंडेशन का शुरुआत हो रहा था, ठीक है, बठिंडा में रहकर के मैं अगल बगल के जिलों में भी खुले फाउंडेशन में गया, आज यहाँ भी जाता रहता हूँ गोपनीय रूप से, बता के नहीं, क्योंकि आगे क्योंकि फाउंडेशन अरे नशा मुक्ति केंद्र का लक्ष्य क्या है, यहाँ हमने हम तो अनुसंधान कर रहे हैं 12-15 वर्षों से सभी नौजवानों जो आए गए कि क्या कारण है कि 3 महीने के बाद भी फिर तुम नशा करते हो, तो फिर मतलब 6 महीने बाद भी करते हो, तो मैंने अनुसंधान किया, तो अनुसंधान मुझे क्या मिला कि त्रिभीर दिवस सही त्रिभीर मास सही त्रिभीर वर्ष सही, आपने कोई भी घटना आपके जीवन, आप लोग सुनिएगा बात को, हाँ, कोई भी घटना आपके जीवन में प्रथम बार घटी, जैसे मान लीजिए आपके मित्र ने कहा पार्टी में, अरे आज छोड़ो आज पी लो, ये घटना प्रथम घट रही है उसके साथ, इसे बारीकी समझिएगा नशा मुक्ति केंद्र के समाधान के विषय में, घटना पहली बार घटी तो घटना पुनः 72 घंटे में घटने के लिए प्रेरित होती है, अगर 72 घंटे में आ गई सामने तो वह संस्कार के परिधि के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाती है, फिर क्या होगा, द्वितीय मेरे बाद फिर कोई मिलेगा, अरे आज छोड़ा दो तू वहाँ पिया था ना, यहाँ ले ले, अब घटना संस्कार बन गई, ये ब्लड में घुस गया, अब ब्लड के बाद जो उसको वीर बनता है अंदर बॉडी में, अब वह वीर में वो वीर मैंने बना वो नशा वो मास्टर में चढ़ गया, और हम कह रहे हैं कि मोमजामा क्या बोलते हैं मोजा का वह मेल पिए चाहे वो कोई मेडिसिन का खाते, तो नशा विभिन्न प्रकार के हैं सब कुछ, इसमें हमारा फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र के फाउंडेशन को चाहिए कि हम ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनावे, जैसे थेरेपी है, दो तीन प्रकार की थेरेपी है, हम यहाँ पर रखे दो तीन प्रकार के, हमने तुलसी लगाया है, इसके करने से क्या होता है यहाँ के वातावरण घूमने वाले बच्चों को लिए, इसके गंदे से क्या होता है, इसके दर्शन से क्या होता है, सभी प्रकार का समाधान के बीच में मनुष्य का चित्त शुद्ध होना चाहिए। ठीक।